सर, सबसे पहले तो सोशल समाज में बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए डॉक्टर अभय कृष्णा, जो सीनियर डॉक्टर है ब्रह्मानंद स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ से। सर, कुछ अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, कैसे, कहाँ से, कब से मन में आया है, सिंस व्हेन आर यू प्लानिंग अबाउट दिस? देखिए, मैं इस शहर में लगभग 10-11 साल से हूँ। इस शहर के हेल्थ केयर सिस्टम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो इस शहर के अंदर में जितने लोग हैं उसमें से अफोर्डिंग लोग जो पैसे से अच्छे से अफोर्ड कर सके, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके लिए हेल्थ केयर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, बेसिकली दी अंडर प्रिविलेज्ड। हाँ, जो, और ऐसे लोग हैं जिसको सही में हेल्थ केयर की सुविधा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। और जहाँ पर सुविधाएँ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में सुविधाएँ हैं, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट ये दो चीज़ों को लेकर है कि हम लोगों को जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी प्रोवाइड करें, और ऐसे रेट पर प्रोवाइड करें जो उनके लिए अफोर्डेबल है। ये दोनों चीज़ों को एक साथ हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं कि अगर हम कम रेट पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं से जो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी कंसेप्ट के साथ जो है वो हम लोगों ने पहले एक ट्रस्ट बनाया है, श्री हरि चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, कुछ इस ट्रस्ट के बारे में भी बताएं। तो ये ट्रस्ट बेसिकली, इस ट्रस्ट का पर्पस जो है, जो प्राइमरी पर्पस है, वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो इसके थ्रू ही ये जो हृदयम हार्ट क्लिनिक है, ये उस ट्रस्ट के अंडर ही है। और इस ट्रस्ट में 3 लोग हैं। इस ट्रस्ट का चेयरमैन मैं हूँ, सुधीर श्रीवास्तव जी ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, और राजेश जी हैं। 3 लोग ही अभी इस ट्रस्ट में हैं। धीरे धीरे हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी जो सेम मेंटलिटी के लोग हैं वो इस ट्रस्ट से जुड़ेंगे। इस ट्रस्ट का कोई फंडिंग हम लोगों ने ये नहीं किया है, कहीं से फंडिंग के लिए कुछ प्रयास नहीं किया। कुछ कुछ से ये कुछ जो भी हमारे पास ये है उससे हम लोगों ने खुद से ही ये ट्रस्ट को बनाया है, और इसकी सब फंडिंग हम लोगों ने खुद ही ये की है। क्योंकि फंडिंग अगर हम कहीं करने जाएंगे तो उतने फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम उसके लिए उतना वेट नहीं करना चाहते। ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसे नोबल कॉज़ की बात है कि अभी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग सक्षम हैं खुद से पूरा करने के लिए। तो ये क्लिनिक स्टार्ट करने का पर्पस ये है। दूसरी बात है, हम लोग 2 लोग अटैच्ड हैं, मैं हूँ और डॉक्टर प्रीति सिंघानिया हैं। हम दोनों ही डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और अभी हम लोग ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ से अभी भी हम अटैच्ड ही हैं। तो ये एक जस्ट जैसे लोगों का अपना पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक होता है, जैसे लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, इवनिंग क्लिनिक करते हैं, उसी तरह का क्लिनिक है। अंतर केवल ये है कि हम लोग इस कंसेप्ट के साथ काम कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम कॉस्ट पे हम अच्छी सुविधा प्रदान करें। इस कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। जो भी यहाँ पे जो रेट्स हैं वो हम लोगों ने जो ओपीडी कंसल्टेशन रेट है वो 300 रुपीज रखा हुआ है। जो ECG का रेट है वो 100 रुपीज रखा हुआ है। बेसिकली हाँ, क्योंकि बाकी जगह में जो ओपीडी कंसल्टेशन है वो 600, 800, 1000 ऐसे लोगों का है। खास करके जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनका कंसल्टेशन, अगर आप मेट्रोपॉलिटन में जाएंगे तो कई जगह 4000, 5000 भी कंसल्टेशन लोगों का है। यहाँ पे भी कई लोगों का कंसल्टेशन 1000 रुपीज़ है। तो हम लोगों का पर्पस है कि हम उस रेट को कम से कम रखें, इतना रखें कि हमारा रनिंग कॉस्ट उससे चलता रहे। जो इको की सुविधा है, TMT की सुविधा है, इको यहाँ पे हम लोग ECG, इको, TMT, होल्टर और एम्बुलेटरी BP, ये सुविधाएं हम लोग देंगे। तो जो इको, TMT, होल्टर, ये सब 600 रुपीज़ हम लोगों ने रखा है। जो बाहर कॉस्ट अलग अलग जगहों पे वेरी करता है, बट 1500 से 2500 तक इसका कॉस्ट बाहर है। तो ये सब कॉस्ट हम लोगों ने, हमारे रखने का पर्पस ये नहीं है कि हम इसी कारण से केवल पेशेंट पूल बढ़ाएँ। हमारा पर्पस ये है कि हम इतना ही कॉस्ट रखना चाहते हैं। हम किसी उसको कंपटीशन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कॉस्ट ऐसा नहीं, ताकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आ सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो भी आ सकते। तो हम कोई आदमी जो अफोर्ड कर सकता है उसको ऐसे नहीं कि उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं। एग्जैक्टली, जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं तो जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वो ऐसे लोगों को सुविधा पहुँचाना जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके साथ में अगर ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी उसका लाभ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोगों को सुविधा प्रदान करना ही है हमारा लक्ष्य।
मैम सबसे पहले आपका भी बातचीत के लिए स्वागत है सोशल संवाद में। मैम, हार्ट प्रॉब्लम्स बेसिकली किन कारणों से होती है अगर आप बताना चाहें? कई बार लोगों को कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है। देखिए, हार्ट प्रॉब्लम की जो मुख्य कारण है वो उनमें से अगर आज के चरण में हम ले तो वो है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज। बेसिकली अभी सब जंक्स खाते हैं जिसमें कि ट्रांस फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इवन लोगों को लगता है कि हम जो स्वीट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो मीठा, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो वो खा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जब स्टडी की गई बहुत सारे कि अभी इंडिया में इतना हार्ट डिजीज़ प्रेवलेंट क्यों है अगर वो नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो US के लोगों ने देखा, वो देखा है कि यहाँ के लोग मतलब बहुत पसंद करते हैं मीठा खाना, कि अगर हमने खाना खाया तो उसके बाद में मीठा होना ही चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड। तो ये जो स्वीट इनटेक है ये हमारे इंडियन फूड में इतना ज़्यादा है कि ये भी एक रीज़न है हमारे डाइट का, कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है अपार्ट फ्रॉम जंक्स। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जंक्स नहीं खाते, वो तो बच्चे खाते हैं जो ओल्ड एज में हैं, तो ये रीज़न है। दूसरा, अब हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी हो गई है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं हम सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, वॉक नहीं कर रहे हैं, या तो वॉक करने की जगह नहीं है या वॉक करने का टाइम नहीं है। पहले जैसे लोग साइकिल चला करके जाते थे, अब सब अपने बाइक से निकलते हैं, कार से निकलते हैं, तो टाइम नहीं बचता, मतलब मेहनत थोड़ा उतना नहीं करना, बिल्कुल फिजिकल। हाँ, और दूसरा फिर एडिक्शन हो गया ना सबको, लोग एक तो एडिक्शन है सब्सटेंस का, दूसरा एडिक्शन है सेलफोन का, गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हम सेलफोन पर बैठे रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ना, लेकिन हम बाहर निकल करके एक्सरसाइज नहीं करते, सकारात्मक यूज़ नहीं करते हैं, नकारात्मक यूज़। देन इसके थर्ड जो लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस, हम इतना स्ट्रेस बढ़ गया, फैमिली स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, पीयर स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से जो हमारा हार्मोनल चेंज है, जो साइटोकाइंस है, वो मिल्यू चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हो रहे हैं उसके तीन रीजंस यही है, बैड डाइट, देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। इसके अलावा जो चौथा कारण यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का है वो सब्सटेंस अब्यूज, टोबैको और स्मोकिंग, मतलब